नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं फटाफट दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। भरतपुर जिले के उज्जैन क्षेत्र में शनिवार सुबह भारतीय वायुसेना का मिग विमान क्रैश हो गया है। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया। वायुसेना के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि यह विमान उत्तर प्रदेश के आगरा वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरा था। फिलहाल वायुसेना हादसे के कारणों का पता लगा रहे हैं। पाकिस्तान क्यों ना कंगाली की गर्त में डूबता जा रहा हो, लेकिन उसके मंत्री अभी भी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला है वित्त मंत्री इशाक डार की, जिन्होंने देश के लोगों की नाराजगी कम करने के लिए धार्मिक कार्ड खेलने शुरू कर दिए हैं। बिहार के आरा में अवैध शराब के निर्माण की सूचना पर छापेमारी करने गए उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसमें एक इंस्पेक्टर समेत 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। शराब माफियाओं ने पथराव कर पुलिस के 3 वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा पुलवामा जिले में पहुंच गई है। राहुल गांधी समेत अन्य लोगों ने पुलवामा हमले के घटना स्थल लेथापोरा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा के लेथापोरा ने 2019 को हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। कश्मीर में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने का अभियान तेजी से चल रहा है। श्रीनगर में पूर्व मंत्री व नेका नेता अली मोहम्मद सागर का मकान गिराए जाने के बाद शोपिया में एक और पूर्व मंत्री का व्यावसायिक ढांचा गिरा दिया गया। पंजाब के फरीदकोट क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीतने के बावजूद अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अनाज मंडी में मजदूरी करने को मजबूर राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी परमजीत सिंह की राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सुध ली है। बॉलीवुड के किंग खान की फिल्म पठान भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तहलका मचा रही। पठान ने भारत में तो झंडे गाड़े ही हैं, साथ में अमेरिका में कामयाबी का नया रिकॉर्ड दर्ज करते हुए अवतार द वे ऑफ वाटर जैसी फिल्म को पीछे छोड़ दिया है। या देख शाहरुख खान के फैंस बहुत खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा के 48 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री मणिक साहा टाउन बाटुबली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक खंडपत सीट से चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होने जा रहा है और यहां 2 मार्च को नतीजे आएंगे। अगली बार जब आप गोवा जाएं तो पर्यटकों से बिना उनकी इजाजत के उनके साथ सेल्फी ना लें, वरना आपको परेशानी तो हो सकती है। बता दें कि गोवा सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। पर्यटकों की निजता का ध्यान रखते हुए सरकार ने यह निर्देश दिए हैं कि एडवाइजरी में कहा गया है कि गोवा घूमने आने वाले पर्यटकों या किसी अनजान के साथ उनकी इजाजत के बिना सेल्फी ना लें। लद्दाख पुलिस ने स्थानीय खुफिया इनपुट के आधार पर तैयार अपनी रिपोर्ट में अभी और झड़प होने की आशंका जताई। दिल्ली में संपन्न डीजीपी आईजी बैठक में यह रिपोर्ट साझा की गई है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में।